कैसे हो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नोकिया 3.1 एंड 3.1 प्लस डिवाइस की एंड्रॉयड 9.0 पाई अपडेट के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ये दो डिवाइस की एंड्रॉयड 9.0 पाई अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो है नोकिया कंपनी की तरफ से ये दो डिवाइस में एंड्रॉयड पाई अपडेट रिलीज कर दिया गया है, कुछ यूजर्स को मिल भी चुका है। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में इसी पाई अपडेट के बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है नोकिया यूजर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिए। एंड फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के पास एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए नए विजिट किया तो आपको मेरे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके डिवाइस में सबसे पहले आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, नोकिया 3.1 एंड 3.1 प्लस ये तो डिवाइस की यूजर्स काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था कब आएगा एंड्रॉयड 9.0 पाई अपडेट। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो है कंपनी की तरफ से जो है पाई अपडेट रिलीज कर दिया गया है। IMEI नंबर की बैच वाइज जो है आपको अपडेट मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। आपको अगर अपडेट मिल गया हो तो आपको बहुत बहुत बधाई हो फ्रेंड्स। एंड आपको अगर अभी भी अपडेट नहीं मिला तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपनी डिवाइस के सेटिंग ऑप्शन में जाइए, सबसे लास्ट में आपको अबाउट फोन सेक्शन देखने को मिल जाता है, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे जाने के बाद आपको जो है मैनुअली जो है अपडेट चेक करना है। अपडेट आप चेक कर लिए, अपडेट चेक कर लीजिए, अपडेट आपको मिल चुका होगा। अगर हम अपडेट के साइज की बात करें तो फ्रेंड्स, अपडेट की साइज 1.1 GB के आसपास है। जी हाँ फ्रेंड्स, एंड इसमें आपको जो है एक नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है, नए UI का जो है आपको एक्सपीरियंस आपको इस अपडेट के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें जो है सिक्योरिटी पैच जो दिया गया है फरवरी 2019 की जो है सिक्योरिटी पैच के साथ आपको अपडेट दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी भी अगर आपको अपडेट नहीं मिला तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप थोड़ी दिन और वेट कीजिए। कंपनी की तरफ से जो है फाइनली रोल आउट कर दिया गया है। IMEI नंबर की जो बैच वाइज होता है, बैच वाइज आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिशियली अपडेट मिल चुका है। एंड फ्रेंड्स, आप अगर अपने डिवाइस में कोई कस्टम रोम या रूट वगैरह नहीं करके रखा तो कोई टेंशन नहीं है, आपको जो है अपडेट मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। मेरे पास कल रात से मैसेज आ रहा है एंड मेरे पास कल रात से जो है मेल्स भी आ रहा है। तो मेरे को बताया जा रहा है, जो यूजर्स हैं, मेरी जो फ्रेंड्स हैं, मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग मेरे को बता रहा है अपडेट मिल चुका है। एंड इनमें से कुछ SMS जो है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, आप ये भी चेक कर लीजिए ताकि आपको प्रूफ मिल जाए। जी हाँ, ताकि आपको प्रूफ मिल जाए। आप विश्वास, आप तो सब कुछ प्रूफ के बिना कोई विश्वास ही नहीं करता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो प्रूफ भी आप देख लीजिए, देख लिया अपने स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अपडेट मिल चुका है, कोई टेंशन नहीं है, अपडेट आपको मिल चुका है फरवरी 2019 के सिक्योरिटी पैच के साथ। तो फ्रेंड्स, आप अपनी डिवाइस को अपडेट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में जितने वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले नोकिया 3.1 एंड 3.1 प्लस ये दो डिवाइस में एंड्रॉयड पाई अपडेट के बारे में। एंड फ्रेंड्स, इसमें और एक न्यूज निकल के आया है, जिसमें बताया जा रहा है एंड्रॉयड क्यू का जो पॉसिबिलिटी है 99% है ये दो डिवाइस में आने की। जी हाँ, एंड्रॉयड क्यू, जी हाँ, एंड्रॉयड 10.0 क्यू का जो अपडेट है 99% पॉसिबिलिटी है ये दो डिवाइस में मिलने की। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इन दो डिवाइस के यूजर्स के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। आपको जो है स्टेप बाय स्टेप अपडेट मिल रहा है एंड जो है सिक्योरिटी पैच भी आपको मिल रहा है। नोकिया की तरफ से जो प्रॉमिस किया गया था वो प्रॉमिस रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए नए विजिट करें तो आपको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके डिवाइस तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।